सभी छात्र छात्राओं का, सभी छात्रियों का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग प्रतिदिन की बात जैसे जो यूपी बोर्ड के विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्र उनको हल कर रहे हैं, उसी क्रम में आज यूपी बोर्ड का सन 2020 का सेट नंबर 3 उसको हम लोग शुरू करेंगे, आज उसी को हम लोग हल करेंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ही आपका है, इसमें जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है उनको आज हम आपको पहले हल कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो नहीं है क्वेश्चन इस बार निकाल दिए गए, वैसे तो हैं लेकिन इस वर्ष के लिए ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। तो कौन कौन से खंड हैं उनको हल कर लेते हैं। देखिए उत्तर नंबर 1 का खा खंड, देखिए इसमें करना क्या हमको है, मान पूछा गया है हमको काट का, और मान किसका निकालना है, एक का। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से भी हल हो जाएगा, या तो सर्वसमिका के माध्यम से भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो सर्वसमिका के माध्यम कैसे हल करेंगे, देखिए cot a 4/3 लिख दिया हमने, ठीक है, cot और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। तो इसको उलट दीजिए, 1/cot कर दीजिए, इधर हो जाएंगे 3/4, तो ये 1/cot क्या बन जाता है, tan, तो 3/4, ये tan का मान कितना आ गया, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, cot का जो मान होगा उस मान को उलट दीजिए, वही मान बन जाता है tan का, tan का मान आ गया। अब सर्वसमिका लगा दीजिए, क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। अब sec का हमको मान निकालना है, tan का मान कितना रखा है, 3/4 रख दीजिए मान, तो sec स्क्वायर a बराबर 3/4 का वर्ग करो 9/16 बराबर 1, sec स्क्वायर बराबर 1 माइनस, उधर जाके कैसा हो जाएगा ये प्लस, तो sec स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 16 एकम 16 9 25 25/16, तो sec a इज इक्वल टू आ जाएगा √25/16, इनका ले लीजिए आप वर्गमूल, तो 5/4, अर्थात sec का मान कितना आ गया, 5/4। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, वैसे भी निकल जाएगा। अब देखिए जैसे 1 से 9 तक हमको प्राकृत संख्याएं इनका योगफल निकालना है, तो 1 से 9 तक संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और उससे क्या कर देंगे, 9 से ही भाग कर देंगे। अब 1 से 9 तक संख्याएं देखो समांतर मान, समांतर मान तो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, की संख्या। अब ध्यान देना, पदों का योग करना अर्थात 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हमको जोड़नी है, तो 1+2+3+4+5+6+7+8+9 संख्याएं भी 9 हैं। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो क्रम से 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 संख्याओं को जोड़ने का सूत्र होता है, वो क्या होता है, n(n+1)2 ये सूत्र होता है। जैसे मान लिया हमको 1 से लेकर 100 तक जोड़नी संख्या है, तो यहाँ पर n बराबर 100 रख दो, 100 का योग आ जाएगा। मान लिया हमको 1 से लेकर 9 तक संख्या जोड़नी है, तो n बराबर यहाँ पर 9 रख दीजिए, उनका योग आ जाएगा। वैसे आप मान लिया अगर 9 तक संख्या है तो आप जोड़ ही लोगे, ज़्यादा संख्याएं नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा संख्याएं आ गई तो फिर क्या करेंगे, तो तरीके सूत्र होता है इसको। जैसे मान लिया हमका योग करना चाहें तो यहाँ कितनी संख्या है, देखो 9, तो आप 9 लिख दीजिए, 9 9+1 ये 10 हो जाएंगे, तो 5 ने 45, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 9/9 = 45, अर्थात समांतर मान कितना आ गया, 5। इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उत्तर नंबर 2 का काखंड है, देखिए इसमें अंक दे रखे हैं 27, 23, x-4, x+4, 15, 3, 7 इतने अंक दे रखे हैं। कहा है
इन सभी का समांतर माध्य जो अंक दे रखे हैं, इन सभी अंकों का समांतर माध्य रखा है 15। इनका जो समांतर माध्य है सवाल के हिसाब से वो दे रखा है 15। ठीक है, तो क्या पूछा है, x का मान ज्ञात करिए। अब देखें x का मान कैसे निकलेगा, जो समांतर माध्य रखा है उसी का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य के नीचे समांतर माध्य का मान रख दीजिए, वह कितना दे रखा है 15। पदों का योग अर्थात इन सबको जोड़ना है, 27+23 x-4 15+3+7 बटे। अब क्या करना है, ये संख्याएं हैं कितने, ये आंकड़े हमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात आंकड़े हैं, तो बटे 7 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 ले आइए भैया। तो 15 7 कितने होते हैं, 105 आप लिख दीजिए। अब इधर क्या करना है, जिन पदों को देखो ये -4+4 तो घट गए, और एक्स एक्स कितने हो गए, 2x हो गए। अब संख्या को जोड़ना है, इनको जोड़िए, 23 और 27 और 15 और 3 और 7 इतनी सब टोटल कितना आ रहा है, तो चलो हमने 75 लिख दिया, 75 लाओ आप इधर। अब इनको घटा दो आप, 30 बचे, x का मान निकालोगे तो ये 2 चले जाएंगे अर्थात 15। तो x बराबर हमारे पास आ गए 15, ये x का मान है, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही मान लिया, चलो इसको लिख लीजिए फिर अगला बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो खा खंड है, इसमें कहा एक मीनार ए बी है और 75 मीटर ऊंची मीनार है, इसकी जो लंबाई दे रखी है 75 मीटर दे रखी है मीनार की। कोई कार है जो सड़क पर जा रही है, इधर इस मीनार का कार के साथ अवनमन कोण दे रखा है, तो अवनमन कोण आप जानते हो इस तरह से बनते हैं, अवनमन कोण दे रखा है 30 अंश। एकांतर क्रम में अगर देखा जाए तो जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं के बीच में। पूछा क्या है, आधार से कार की दूरी बताइए, तो हमने वह दूरी कितनी मान ली, x। अब त्रिकोणमिति के नियम से पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, तो देखिए लंब बटे आधार tan हो जाता है, तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर देखो 90 डिग्री है। तो यहां देखिए लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है AC और tan 30, लंब बटे आधार कहलाता है tan। AB का मान देखिए 75 है, AC का मान हमने x माना है, और जबकि tan 30 का मान होता है 1/√3। जो त्रिकोणमिति टेबल है उसको हम याद कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 75√3 मीटर। अतः कार की मीनार के आधार से, मीनार के आधार से दूरी कितनी हो जाएगी, 75√3 मीटर। अब अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह से इसमें क्या कह रखा है, एक द्विघात समीकरण है, ये तो आपके कोर्स में है, तो ये द्विघात समीकरण है, इसको भी हल कर लेते हैं। द्विघात समीकरण दे रखा px² 2√3 px+15। अब देखिए कहीं क्या रखा है, समीकरण में कहा है कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब दोनों मूल बराबर हैं तो हमने कंडीशन आपको लिखवा रखी, विविध करवा ली,
कि मूल बराबर होते हैं तो विभक्तकर कितना होता है, मूल अलग अलग हो तो विभक्तकर कितना होता है। लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है या बराबर है, समान है इसलिए विभक्तकर क्या होता है, डी बराबर जीरो। और विभक्तकर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। अब देखिए बी कितना है, ए कितना है, इसके मान रख दीजिए, पी का मान अपने आप आ जाएगा। ये पहला वाला मान ए का है, ये पूरा जो माइनस का बी है बी मान है, और ये क्या है सी मान रखेंगे। बी का मान है माइनस का दो। देखिए एक्स को छोड़ के जितना मान हो वो सब बी का मान होता है, तो बी का मान हमारे पास है माइनस के दो अंडर रूट पांच पी का स्क्वायर कर देंगे। ए का मान है पी और सी का मान पंद्रह। अब जरा इनका स्क्वायर करिए तो दो का स्क्वायर देखो चार हो जाएगा, इस पर अंडर रूट हटेगा स्क्वायर, और यहां पर पंद्रह चौकू साठ, यहां पर बीस पी स्क्वायर माइनस के साठ पी बराबर जीरो। अब क्या करना है इनमें, क्या कॉमन हो रहा है, बीस पी बीस टी कॉमन, तो अंदर पी बचा और बीस टी यहाँ साठ, तो इधर देखिए बीस पी और इधर पी माइनस टी, दो गुणनखंड हो गए, तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ से पी बराबर उधर ले जाओ तो प्लस की थ्री, तो पी के दो मान हो गए। क्वेश्चन में कह रखा है पी का मान क्या करिए, लेकिन अगर पी का मान रख देंगे जीरो तो जीरो वाला मान हमारा क्या है, इसमें समीकरण का अस्तित्व खत्म कर देगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, तो कौन सा मान हमारा होगा तीन, अतः अतः पी बराबर तीन, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। लिख लीजिए इसको, देखिए आंसर नंबर थ्री है आपका, इसमें जो का खंड है इसमें समांतर श्रेणी का सवाल दे रखा है, ऐसी खा खंड में प्रायिकता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ते हुए इस वर्ष के सिलेबस के अनुसार ये तीसरा जो गा खंड है ये आपके कोर्स में है, तो इसमें क्या कह रखा है तीसरे के गा खंड में, इसमें एक समीकरण है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस के बारह है, का की मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। तो हमने मान लिया, माना माना समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, इस समीकरण के दो मूल मान लिए कि द्विघात समीकरण है, सिर्फ दो इसके मूल होंगे। अब इसमें देखिए अगर हम तुलना करें इसी समीकरण की एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स प्लस के बारह बराबर जीरो, इसकी हम द्विघात समीकरण जो मानक होता है द्विघात समीकरण का उसके आधार पर इसकी हम तुलना करते हैं, तो यहाँ से देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा एक, और बी बराबर माइनस के सेवन हो जाएंगे, सी तो हो जाएगा ट्वेल्व। अब यहाँ से देख लीजिए अगर हम मूलों का योग पर लिखें, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस का बी अर्थात माइनस के सेवन लिखेंगे एक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर देखें तो कितनी आ गई सेवन। मूलों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है सी अपान ए, सी की वैल्यू देखिए बारह है इसकी वैल्यू एक है, तो हो गया हमारे पास बारह। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन कहा है कि दिए हुए समीकरण के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, तो हमको जो निकालना है ज्ञात क्या करना है, मूलों के व्युत्क्रम, जैसे मूल ये अल्फा बीटा हुए तो मूलों के व्युत्क्रम क्या होंगे, मूलों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उसको उलट दीजिए, तो यहां देखिए मूल अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा एक बटे अल्फा,
इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक बट्टे बीटा। मूल को उलट लो, इनका योगफल निकालना है, व्युत्क्रमों का योगफल। तो अब इनका योगफल निकालना है, अर्थात एक बट्टे अल्फा प्लस एक बट्टे बीटा का मान निकालना है, योगफल दोनों का योगफल। इनका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा होगा और यहाँ बीटा प्लस अल्फा। अब दोनों की वैल्यू हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, 7 है, है? और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है देखो, 12 है। तो इस तरह से दिए हुए समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल इसमें पूछा था, वह आपने निकाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कर रखा है, इसी के घा में 3 का जो आपका घा खंड रखा है, चौथा खंड, इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दो संख्याएं मान ली, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। अब पहली जो शर्त है उसमें कह रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों को आप घटा लीजिए, अर्थात x माइनस y बराबर कितना लिख देंगे हम, 26। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1। दूसरी शर्त में क्या कहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी क्या है, 3 गुनी है। तो एक संख्या है और दूसरी कितनी कर देना है, 3 गुनी कर देना है। तो इस समीकरण कितना कर दिया हमने, 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको हल कर लेंगे, रख दिया मान, तो देखो ये 3y हो जाएगा और माइनस का y बराबर कितने हैं, 26। तो 2y बचेंगे कितने हो जाएंगे, कैंसिल कर दीजिए, कितने आ गए, 13। तो y इक्वल 13 आ गए। समीकरण मान लिया हमने 1, या 2 से रख दो, 2 में मान 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में देखिए x बराबर 3y, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 × 3 = 39। तो एक संख्या कितनी आ गई, 39, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 26। तो अतः संख्याएं एक 13 × 39, ये हमारी संख्याएं हमको ज्ञात हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, काखंड, इसमें क्या कर रखा है, कहा एक बिंदु है PX, Y, यह दो बिंदुओं A और B से क्या है, समान दूरी पर। देखिए ये बिंदु रखा है इसमें P, ये इस बिंदु से, इन दोनों बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि इनके बीच में क्या बताना है, X और Y के बीच संबंध बताना है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों दूरियां बराबर है, तो दोनों दूरियां बराबर है, तो लिख देंगे क्योंकि PA बराबर क्या है, PB है। अब PA दूरी निकालेंगे तो दूरी वाला आप जानते हो फार्मूला लग जाएगा, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर और प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। ऐसे इसमें इधर भी लग जाएगा वही वाला फार्मूला, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर और प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। अब क्रम से देखिए, इसको तो आप X1 Y1 मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा X2 Y2। अब PA दूरी हमको निकालनी है, तो PA दूरी निकालने के लिए आप ये मान रखेंगे तो X माइनस क्या आ जाएगा, 3, ठीक, और Y माइनस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक कंडीशन हो गई इधर वाली। अब ये दूसरी जब दूरी निकालेंगे तो अब की बार में X2 Y2 इतना मान हो जाएगा, फिर से लिखिए तो क्या हो जाएगा, X-3 और -+ हो जाएगा, ऐसे Y-4 हो जाएगा। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों ओर हम क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, दोनों ओर वर्क, तो वर्क करने से अंडर रूट हट जाएगा, X-3 का होल स्क्वायर Y-6 का होल स्क्वायर X+3 का होल स्क्वायर और Y-4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ के स्क्वायर जो है, होल स्क्वायर का दोनों तरफ फार्मूला खोल दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, X² + 9 माइनस के कितने एक्स हो जाएंगे, 6x, ऐसे 22² + 36 माइनस के 12 बराबर का फार्मूला खोलिए, X² + 9 + 6x आ जाएंगे। ऐसे यहाँ इसको खोलिए
22 स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8 बाई आ जाएंगे। अब देखिए प्लस का एस स्क्वायर इधर आने पर माइनस हो जाएगा, फिर तो घट जाएंगे, ऐसे 22 स्क्वायर वाले पद से घट जाएगा, प्लस के 9 से प्लस के 9 घट जाएंगे। ठीक, अब बचे हुए पदों को सही कीजिए। माइनस के 6x पहले से दे रखा है और ये प्लस का 6x इधर भी है, माइनस का 6x हो जाएगा। माइनस के 12y पहले से ही है और ये माइनस के 8y इधर लाने पर प्लस के 8y हो जाएंगे। ठीक, कुल में देखिए क्या रह गया, इधर प्लस के 16 रह गए और इधर प्लस के कितने रह गए, 36। ठीक, तो माइनस के 12x, अब यहाँ 12 में से 8 घटा दीजिए कितने बचेंगे, माइनस के 4y, यहाँ 16 घटा दो कितने बच रहे हैं, माइनस के 20। आप माइनस के 4 ले लो कॉमन तो 3x प्लस के y बचेगा और ये माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल कर दो और ये 4 बटे में चले जाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल 20 बटे 4, 4 पंजे 20 अर्थात 5। तो जो संबंध आ गया वह क्या आया, 3x प्लस y इक्वल टू कितना आया, 5। कितना, ये दोनों दूरियां समान होने के कारण क्या आ गया, दोनों के बीच में संबंध। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो खा खंड है इसको कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि त्रिज्या दे रखी है शंकु की, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है h, और पूछा है शंकु की जो त्रिज्या ऊंचाई है उसको निकालना है, लंबवत ऊंचाई दे रखी है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अब कैसे लंबवत इसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बस दोनों को मान रख दीजिए, ये फार्मूला होता है, त्रिज्या ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या में संबंध का ये सूत्र होता है, इसके माध्यम से निकाल लेंगे। तो निकाल दीजिए, एच का मान है 12 का वर्ग, आर स्क्वायर हमारा 3.5 है, इस 12 में 144 होते हैं, 3.5 का वर्ग करें तो कितना आएगा, 12.25 आ जाएगा। आप इनको जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, 156.25। इनका वर्गमूल लेना पड़ेगा आप, तो इसका जब आप वर्गमूल ले लेंगे तो 125 अर्थात 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से होगी त्रिज्या ऊंचाई। अगला प्रश्न देखिए, आंसर नंबर देखिए आपका 4 का थर्ड वाला पार्ट दे रखा है 4 का, इसको कैसे हल करेंगे, कह रखा है टेन ए इक्वल टू क्या है, टेन बी, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए बड़ा आसान इसको सरल करना, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, देखो जो मान दे रखा है उसी को लेके चलिए आप, टेन बी इक्वल टू कॉट बी। अब आप देखिए टेन ए को तो आप ऐसे लिख दीजिए, अब यहां देखिए जिस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात बदलने के सूत्र बताए थे, जो नियम बताए थे, उसी आधार पर इसको हल करना है। तो इधर देखिए इसको हम लिख दें टेन 90 माइनस थीटा अर्थात बी, तो ये चेंज हो जाएगा, टेन किस में बदल जाएगा, काट में, तो देखो इतना ही तो आ जाएगा, अर्थात काट बी को हम टेन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज करने पर इतना ही वैल्यू हमको प्राप्त, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इतना ही वैल्यू हमको प्राप्त होगी। अब क्या करना है, टेन टेन छोड़ दीजिए दोनों तरफ, तो इधर ए बचेगा, इधर कितना बचा 90 माइनस बी, बी को आप इधर ले आओ, ए प्लस बी हो जाएगा, ये कुल क्या रह जाएगा 90, ये आपका सिद्ध हो गया जो आप सिद्ध करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के घा खंड में जो क्या कह रखा है, कहा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए और बी, ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड हमने खींच दिया ए बी हो गया, इस ए बी को एक तीसरा बिंदु -1.6 किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो वह अनुपात हमको ज्ञात नहीं, तो हमने मान लिया M1 और M2 के अनुपात में ए बी को ए रेखाखंड क्या करता है, दिया हुआ बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे, तो लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक, वैसे तो क्वेश्चन कितना ने रखा है -1.6, लेकिन बिंदु सी के निर्देशांक जब विभाजन के सूत्र से लगाएंगे तो m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, एक फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक, ऐसे इधर
एम वन बाई टू प्लस एम टू बाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, इस तरह से माइनस वन कामा सिक्स। अब देखिए ये तो मान एक्स वन बाई वन का हो जाएगा और ये मान एक्स टू बाई टू का हो जाएगा। अब मान रखना है आपको एम वन की वैल्यू, देखिए नहीं मालूम हमको, सभी ध्यान दो इधर, एम वन की वैल्यू नहीं मालूम, एक्स टू की वैल्यू मालूम है कितनी है देखो छः, एम टू हमको नहीं पता है लेकिन एक्स वन मालूम है कितना है थ्री, एम वन प्लस एम टू। एम वन छोड़ दीजिए, एम टू की वैल्यू बाई टू की वैल्यू माइनस आठ, एम टू बाई वन की वैल्यू दस, एम वन प्लस एम टू। अब देखिए इधर पहला वाला मान क्या कहलाता है भुज और दूसरा वाला मान क्या कहलाता है गोल। तो हम किसी की तुलना कर लें, पहले पहले बिंदु की तुलना कर लें या तो दूसरे दूसरे की तुलना कर लीजिए, आपको अनुपात मिल जाएगा ठीक। तो देखेंगे तुलना करने पर, तो पहला वाला अनुपात पहले बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा एम वन गुणा छ प्लस एम टू गुणा माइनस के तीन अपान में एम वन प्लस एम टू। अब इक्वल क्या आ जाएगा माइनस वन, तो हमको अनुपात चाहिए तो एक ही बिंदु लेकर अनुपात निकाल लीजिए आप। तो देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वाला पूरा मान यहाँ गुणा में जाएगा, ये वाला इधर, तो यहाँ पर सिक्स एम वन और माइनस के थ्री एम टू, माइनस वन से गुणा करिए तो माइनस का एम वन माइनस के एम टू, एम वन एक तरफ कर लीजिए तो सिक्स एम वन प्लस के एम वन इधर आ गया, माइनस के एम टू इनको ले जाओ उधर तो प्लस के थ्री एम टू हो जाएंगे, थ्री एम टू। अब यहां देखिए दोनों जुड़ गए कितना हो गया सात एम वन, इनको देखिए घटाना पड़ेगा तो कितना हो गया दो माइनस के दो नहीं प्लस के दो एम टू बचेंगे क्योंकि माइनस का पद छोटा है बने हैं। अब हमको एम वन के अनुपात निकालना है तो एम वन के बटे में एम टू ले आओ, लिख दिया तो एम वन के बटे में एम टू ले आए इधर। अब यहां रहेगा सात, सात कहां भेजो दो के बटे में, तो अर्थात एम वन अनुपात एम टू का अनुपात कितना आया दो अनुपात सात। अर्थात दिया हुआ रेखाखंड इस ए बी रेखाखंड को